अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का कहना है कि यूक्रेन में पिछले 28 दिनों से जारी युद्ध के दौरान रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उसके मुताबिक अब तक जंग में रूस के 7,000 से 15,000 सैनिक मारे गए हैं। रूस को यूक्रेन से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है और इतने दिनों बाद भी वो अब तक कीव पर कब्जा करने में नाकाम रहा है। नाटो सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक रूसी सैनिकों के मारे जाने संबंधी अनुमान यूक्रेनी अधिकारियों से मिली सूचना और स्वतंत्र सूत्रों से एकत्रित खुफिया जानकारी पर आधारित हैं। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि इसके 4 हफ्ते पूरे होने के बाद भी रूस ने हताहत हुए अपने सैनिकों की संख्या नहीं बताई। इसी बीच नागरिकों को सुरक्षित निकाले जाने के लिए 9 मानवीय गलियारे बनाने पर यूक्रेन और रूस के बीच सहमति बन गई। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री के मुताबिक लोगों को निकालने के लिए बर्दियांस्क में परिवहन की व्यवस्था की गई है। अकेले मेरियापोल में ही 2.5 लाख से ज्यादा लोग हमलों के बीच फंसे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आहट फिर से सुनाई देने लगी है। उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने से हताश रूस ने फिर से धमकी भरे अंदाज में कहा है कि जीने मरने का सवाल हुआ तो हम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से कतई पीछे नहीं हटेंगे। वहीं रूसी हमलों में मेरियोपोल शहर पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है। रूसी बमबारी में कई अन्य शहर तबाह हो चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में अब रासायनिक हमलों के इस्तेमाल की आशंका को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी हमलावरों ने उसके चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र की एक प्रयोगशाला को लूट लिया है। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी जापान की संसद में संबोधन देते हुए रूस द्वारा रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका जाहिर की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।